आर्मी का चले भी है। सबसे सबसे बड़ा जो था ना, मैं हामी था इन लोगों के साथ, आर्मी के साथ। अब इनके खिलाफ मैंने बगावत ऐलान इसलिए किया, जब मैं देख रहा हूँ इन लोगों की ज्यादतियाँ, इन लोगों की इंतकामी कार्रवाइयाँ, इन लोगों के गंदे करतूत, तो मेरा ईमान जो है ना, ये मुझे इजाजत नहीं देता अच्छा तारिक साहब, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसको यहाँ ओवरसीज हमारे देखकर तो यहाँ डर कर बैठ जाते हैं घरों में, उसकी बिल्कुल सही वजह क्या बात है? है। बहुत से हमारे पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं यार हम आना चाहते हैं मगर हम आते नहीं हैं क्योंकि हमारी फैमिली पीछे है, हम जाएंगे हमें गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब ये लोग ना, ये वो जिस तरह इमरान खान कहता है ना, डर का जो बुत है ना वो तोड़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की हालात तब तक सही नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान की पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी। आप बाहर निकलें, कुछ लोगों की कुर्बानियाँ दें, इन जो दहशतगर्द पंजाब पुलिस है इनके कपड़े उतार के इनके चूतरों पर डंडे मारो, और इसी तरह ये फौजी जो है ना इनकी वर्दियां फाड़ो, राइट, जो चलिए हमारी बहनों और बेटियों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं। इन्होंने बांग्लादेश वाला हिसाब जो है ना यहाँ पाकिस्तान में कर दिया। अल्ताफ हुसैन की मैं स्पीच सुन रहा था, अल्ताफ हुसैन कह रहा था देखा मुझे लोग गद्दार कहते थे पर मैं कहता था कि ये आर्मी खिलाफ है। मैंने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ 12 एहतजाज किए लंदन में, मगर मैं आज ये तो सोच अभी उन एहतजाज पर आप क्या कहते हैं, गलत किया आपने? बिल्कुल गलत किया मैंने, चलें जी, अच्छी बात है, आपने गलती बिल्कुल मान गलत। ली, एक बात और सिर्फ गलती सिर्फ अल्ताफ हुसैन से गलती मेरा मानना एक एक अच्छी बात है। एक बात सुनिए, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मैंने जो एहतजाज किए वो गलत किए थे मैंने, अल्ताफ हुसैन सही था, हम गलत थे। ठीक है जी।